इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम की, एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको एलसीएम फाइंड करना है मल्टीपल से, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। ये जो 3 क्वेश्चन है इसके इसमें पार्ट भी दे रखे हैं, पहले के 5 पार्ट हैं, सेकंड के 5 पार्ट हैं, जो थर्ड है उसके 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो हम ये जान लेंगे कि एलसीएम होता क्या है और फिर तीनों पार्ट्स के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा आपको नंबर गिवन हो, जैसे एक नंबर दे रखा है 3 और 4, देखिए समझिए, एक आपको नंबर दे रखा है 3 और एक नंबर दे रखा है 4, यहाँ पे दो नंबर गिवन है, 3 भी दे रखे हैं और 4 भी दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको ये कहे कि इनका आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बेटा ध्यान देंगे जो 3 है और जो 4 है, 3 के आप टेबल लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे चलती जाएगी। ऐसे 4 की टेबल लिखेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, डॉट 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 चलती जाएगी टेबल। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो, आपने नंबर क्या लिया था 3 और 4, नंबर आपके पास क्या थे 3 और 4, तो बेटा 3 में जो टेबल है उसमें देखो नंबर कैसे हैं, 3 6 9 12, 4 की टेबल में देखो नंबर कैसे हैं, 4 8 12 16। स्टार्टिंग से नंबरों को चेक करो कि इसमें कोई नंबर है वो इसमें भी है क्या, जो 3 की टेबल में कोई नंबर 4 की टेबल में भी वो नंबर आ रहा है या नहीं। अब ध्यान से देखोगे तो जो 12 है वो आ रहा है, पहला नंबर जो क्या है देखो 3 6 9 12, 4 8 12, यानी जो 3 की टेबल में 12 आ रहा है वो 4 की टेबल में 12 आ रहा है, और वो पहले वो ही है कॉमन दोनों में, तो लोवेस्ट यानी जो सबसे पहले आए टेबल में, जो सबसे पहले आए टेबल में। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ रहा है 12, और जो 3 में भी आए और 4 में भी तो वो यही है 12, 3 की टेबल में भी 12 आ रहा है पहले, 4 की टेबल में पहले क्या आ रहा है 12। और मल्टीपल, मैंने कहा था मल्टीपल का मतलब क्या है, टेबल, समझ रहे हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो दो नंबर आपको गिवन हो उन नंबरों के मल्टीपल आप राइट कर लो पहले, यानी उसकी टेबल राइट कर लो। मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल, 1 जा 2 जा 3 जा 10 जा, कई बच्चे ये सोचते होंगे कि 10 जा तक ही होती है टेबल, नो, 11 जा 12 जा, कभी जा कभी खत्म नहीं होते, ये चलते रहते इनफाइनाइट, तो आप इनको राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें अपने मल्टीपल्स जब राइट कर लिए तो फिर दोनों में देखो कॉमन, और कॉमन जो सबसे पहले आए, जो सबसे पहले आए, और बाकी आगे भी होंगे इसमें कॉमन, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं पे कोई और कॉमन आ जाएगा, लेकिन वो नहीं लेना, जो स्टार्टिंग में कॉमन आएगा हमें उसी को लेना है, मल्टीपल हो कॉमन हो, लेकिन जो सबसे पहले आए तो 12 आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो अपना एलसीएम ऑफ 3 और 4 कितना हो गया 12। बेटा ये जो मेथड है, ये मेथड है मल्टीपल मेथड, सॉरी ये जो मेथड है वो है मल्टीपल मेथड, मल्टीपल निकाल के और फिर हम एलसीएम पता करें। और बेटा एक्सरसाइज 3F का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो इसी मेथड से आपको क्या करना है, उनका एलसीएम फाइंड करना है। समझ में आई? अब
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, उसमें कह रहा है एलसीएम फाइंड करो नंबर का, लेकिन मेथड कौन सा होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होना चाहिए। कौन सा मेथड होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए ध्यान से, ये तो मल्टीपल से मेथड से एलसीएम निकालना है। अब बेटा किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो मैं एक्सरसाइज 3F का ही क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करवा रहा हूँ, उसमें नंबर है 24 एंड 60। ठीक है, तो बेटा पहले आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ मेरे देखे हैं तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बता रखा है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना। 2 से स्टार्ट करो, ये 12 पे जाएगा डिवाइड, 2 से स्टार्ट करो ये 6 पे, 2 से 3 पे, 3 से 1 पे। जो 24 के प्राइम फैक्टर आए हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही 60 के 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। यहाँ पे जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप इसको डिवाइड करेंगे। 60 के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर आ गए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इधर देखिए, अब यहाँ पे करवा रहा हूँ। जो 24 है बेटा, इसके आगे नंबर देखो 2 2 2, कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार, तो 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई फिर क्या है? 3। ऐसे ही 60 है, इसको आप क्या ले सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आपने क्या किया, जो नंबर था 24 और 60 उसके प्राइम फैक्टर कर लिए और फिर उनको पावर के रूप में राइट कर लिया, हमें तो पता क्या करना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। अब बेटा ये जब ऐसे अपनी पावर के रूप में राइट कर लिया ना, तो इसका जो एलसीएम होगा ना वो क्या होगा? देखो ध्यान से, आप ये देखो, इसमें 24 और 60 में ये जो नंबर आगे लिखे हुए हैं, इनमें कौन कौन से नंबर शामिल हैं? एक तो 2 शामिल है, कॉमन नहीं देखना कि इसमें भी हो, 24 वाले में भी हो और इसमें भी हो, नो, इसमें कॉमन नहीं देखना है आपको। ये देखना नंबर कौन कौन से शामिल हैं, 2 3 और 5, इनके अलावा तो कोई नंबर शामिल नहीं है। 2 शामिल है, 3 शामिल है और 5, यहाँ पे देख लो ना, पावर में आप कन्फ्यूजन हो गए, कन्फ्यूज नहीं होना है पावर में, पावर को मत देखो, नंबर देखो, नंबर कौन सा है नीचे, 2 शामिल है, 3 शामिल है और 5, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है इसमें, कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। तो बेटा 2 देखो ज़्यादा बार किस में है, देखो 24 में ज़्यादा बार है, यहाँ पे 3 बार है, 2 की पावर 3, 3 बार है ना, 3 बार, और यहाँ पे 2 बार है, तो ज़्यादा कितने बार हुआ? 3 बार, तो 2 को आप ले लो 3 बार मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2 शामिल था, ज़्यादा बार कितने बार था? 3 बार। अब देखो 3 ज्यादा बार कितनी बार है? 3, इसमें भी एक बार ही है, इसमें भी एक बार ही है, तो सिर्फ 3। 5 देखो ज्यादा बार, एक बार ही है, मल्टीप्लाई 5, और इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 30 60 2 120। बेटा 24 और 60 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 120 आया। कितना आया? 120। और इस तरह आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब है तीसरा मेथड, जो है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, इसको मैं कर रहा हूँ रफ, ध्यान से देखेंगे। एलसीएम बाई डिवीजन मेथड, देखो ध्यान से,
पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ए वन दे रखा इसमें, ठीक है। नंबर है 18, 36, 60, 72। आपको एलसीएम निकालना है। मेथड कौन सा है? डिवीजन मेथड, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, 18 ऐसे डैश लगा देना, 36, 60, 72 इस तरह राइट करना, ठीक है। अब बेटा आपको है ना इन नंबरों को डिवाइड करना है। अगर आप यहां पे 2 से डिवाइड कर रहे हो तो जो नंबर 2 से डिवाइड होगा ना उसको आप डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज वैसा का वैसा लिख देंगे। अब 18 में आप रफली करना है, 18 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, 9 पे। ऐसे ये गया 9 पे, इसके नीचे 9 लिख दिया। अब 2 से ये जाएगा 18 पे, अब 2 से ये जाएगा 30 पे, और 2 से ये जाएगा 36 पे। सारों में डिवाइड जा रहा है 2 का, ठीक है, ओके। फिर 2 से देंगे, और ये जो नंबर होंगे ना बेटा ये प्राइम नंबर होंगे, ये जो नंबर होंगे क्या होंगे, प्राइम नंबर, यानी जिनमें खुद का और 1 का ही डिवाइड जाता हो। अब 2 में इसको भाग 9 से, 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, तो इसको एज इट इज ऐसा कैसा लिख दो। इसमें जाएगा यहाँ पे आएगा 9, इसमें जाएगा यहाँ पे आएगा 15, इसमें यहाँ पे आएगा 18, क्लियर। अब आपको है ना 2 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ है वो 2 से नहीं जा रहे, एक ही नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना, इसमें 3 पे, इसमें 3 पे, इसमें 5 पे, और यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, 1, 1, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। अब यहाँ पे 2 ही नंबर बचे, 5 और 2, तो एक बार तो 2 से डिवाइड कर लो, 1, 1, 5, 1, एक बार 5 से डिवाइड कर लो, 1, 1, 1, 1, यहाँ पे आपको 1, 1 लाना है, ठीक है। अब ये जो नंबर आ रहे हैं ना इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 5, इन नंबरों को डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, 30 × 3 = 90, 19 × 1 = 180, 180 × 3 = 360। यही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 360। यह है बेटा डिवीजन मेथड। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना है, एक्सरसाइज 3F के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने जिस प्रकार बताया उस तरीकों को आपको फॉलो करना है और इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है।